हे गाइस दोस्तों, 2020 हमारा स्टार्ट होने वाला है एंड जल्द ही हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे इंडिया में लॉन्चिंग होने वाला है। जो कि दोस्तों इस वीडियो में कम्प्लीटली टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाली है, जो 2020 में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यार 2020 में आपको अवेलेबल होने वाली है कौन कौन सी टॉप 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आपको 2020 में लेनी चाहिए। लेने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़र हो, अगर आपको यह लेना है, या अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अगर तो और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो है डेली ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। जैसे कि दोस्तों टॉप 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर, कौन कौन सी टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो आपको 2020 में अवेलेबल होंगी। सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है 2020 के आपको यहाँ पर 1 जनवरी में आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल होने वाला, जैसे कि आप सभी को पता है बजाज की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला है, जो दोस्तों लॉन्चिंग हो चुका है, जो कि जिन्होंने बुकिंग किया था जो उसको पर जो है वो अवेलेबल होने वाला है, डिलीवर होने वाला है 2020 में जनवरी में। तो अगर आपको यहाँ पर जो है और भी कई सारे स्पेसिफिकेशन बजाज चेतक की चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो हम बनाते हैं एंड बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी हमने यहाँ पर जो है कुछ रिव्यू वगैरह भी बना दिया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको यहाँ पर जो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर जो है लुक मिल जाता है। सर्विस की बात करें तो सर्विस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है बजाज की तरफ से, जो आपको यहाँ पर जो है KTM के शोरूम पर अवेलेबल होने वाला है। तो आप इसको लेने की सोच रहे हो तो आप इसको ले सकते। उसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपको यहाँ पर जो लिथियम की बैटरी मिलने वाली है एंड मेड इन इंडिया होने वाला, जो कि बजाज की तरफ से आपको यहाँ पर जो है यह इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल होने वाली है। एंड दोस्तों 2020 में आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर, काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाली है जो कि मेड इन इंडिया होने वाले, क्योंकि बैटरीज की बात करें एंड इसके जो जो एक्सेसरी जो यूज़ होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो सभी यहाँ पर जो है मेड इन इंडिया होने वाली है। तो उसी कारण से 2020 में हमारे इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर जो है परचेसिंग होने वाला, जैसे कि पेट्रोल से भी आप वहाँ कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा होने वाला है 2020 में। देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन एंड क्या प्राइस के साथ आपको यहाँ पर जो बजट तक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो दोस्तों 2020 में अवेलेबल होने वाला है, इसको बजाज चेतक से भी अच्छा इसको कह सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है यामा की तरफ से EC05 इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों यामा की तरफ से आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पर जो मिलने वाला है। दोस्तों इस चैनल पर मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर जो अपडेट वगैरह बताते हैं यामा की तरफ से एंड आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस चैनल को चेक करके आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हो। यामा की तरफ से ऑफिशियली जो है EC05 का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, जो दोस्तों आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मेरे को लगी। एंड इसमें आपको यहाँ पर जो रिमूवेबल बैटरी पैक अवेलेबल होने वाला है, जो कि दोस्तों गोग्रो की तरफ से आपको अवेलेबल होने वाला है। तो उसी कारण से आपको गोग्रो की तरफ से यहाँ पर जो बैटरी मिलेगी तो उसी कारण से आपको कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आने वाला है। स्वैप बैटरी पैक होने वाला है, बहुत ही पावरफुल बैटरी पैक है दोस्तों यामा की तरफ से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है EC05 में। तो आप इसको अगर लेने की सोच रहे हो तो आप भी इसको यहाँ पर जो परचेस करने की सोच सकते हो। जल्दी आपको यहाँ पर जो इंडिया में 2020 में भी ये अवेलेबल होने वाला है दोस्तों, यामा की तरफ से ऑफिशियल अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों इसका जल्दी आपको नेक्स्ट अपडेट भी मिल जाएगा सारे रिव्यू वगैरह। तो मैं जल्दी आपको यहाँ पर जो एटेक्सपो में जाने वाला हूँ, तो एटेक्सपो में जाने तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल होने वाली है। अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है दोस्तों हमारा यहाँ पर जो TVS की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो दो इलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर जो रिव्यू में आपको यहाँ पर बता दिया कि एक चेतक आने वाला है, नेक्स्ट यामा आने वाला है एंड थर्ड नंबर पर हमारा TVS का आने वाला है, जो कि दोस्तों तीनों कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी हमारे मेड इन इंडिया की इलेक्ट्रिक स्कूटर है सबसे पहले प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि पहले जो है पेट्रोल स्कूटर वगैरह प्रोवाइड करती थी, तो जल्दी आपको यहाँ पर जो है TVS की तरफ से क्रियोन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल होने वाला है। दोस्तों जल्दी ही आपको यहाँ पर जो इसका रिव्यू भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं दोस्तों एटेक्सपो में जाने वाला, तो यहाँ पर आपको इसका जो है फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू भी देने वाला हूँ। एंड दोस्तों मैंने इस चैनल पर एक रिव्यू भी डाला है एक TVS क्रियोन का, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों उसमें आपको काफ़ी अच्छी पिक पावर मिलने वाली है, बैटरी पैक पर मिलने वाला अच्छा सा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाला है एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर जो है TVS क्रियोन में भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। सर्विस की बात करो दोस्तों, तीनों इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर्विस काफ़ी अच्छा मिलने वाला, क्योंकि मार्केट में हमारे मार्केट में काफ़ी सारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल है, बट यहाँ पर जो कंपनी का कहना है कि हम स्पेशली यहाँ पर जो है अच्छी सर्विस देने की कोशिश करने वाली है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारे जो है पेट्रोल स्कूटर पेट्रोल बाइक वगैरह प्रोवाइड करती है, TVS हो गया, यामा हो गया या बजाज हो गया। तो आपको TVS क्रियोन में भी काफ़ी अच्छा सर्विस मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग मिलने वाला है एंड प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। बट दोस्तों TVS क्रियोन में आपको प्लस से आपको यहाँ पर जो एक डिस्काउंट अवेलेबल होने वाला जो है दोस्तों इसका जो है सीट। जी हाँ दोस्तों, इसका सीट जो है सिंगल सीट इन्होंने दिखाया, बट देखते हैं कि हम लॉन्च करने के बाद ये इनमें कुछ अपडेट वगैरह लाते हैं या नहीं। अगर वन सीटर TVS का इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है तो वन सीटर में हमारे इंडिया में नहीं चलने वाला, अगर डुअल सीटर आता है तो हमारा TVS का क्रियोन ज़्यादा चल सकता है अगर डबल सीट आता है तो।
सो गाइस नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारा दोस्तों फ्लो इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, फ्लो की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो दोस्तों बहुत सारी सिटीज़ पर उन्होंने कहा था हम यहाँ पर जो अवेलेबल करने वाले हैं, बट दोस्तों बहुत सारी सिटीज़ पर अवेलेबल नहीं हो चुका है। तो 2020 में आपको बहुत सारी सिटीज़ पर अवेलेबल होने वाला है। ये बेंगलोर वगैरह में अवेलेबल हो गया है फ्लो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो दोस्तों, इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, प्लस इसमें आपको स्पीड भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, डुअल बैटरी सिंगल बैटरी वाला ऑप्शन मिल जाता है, एंड काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर जो है फ्लो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को भी अच्छा मिलने वाला है, एंड इसमें आपको यहाँ पर जो सर्विस भी काफ़ी अच्छा आपको अवेलेबल होने वाली है। तो ऑफिशियल आपको यहाँ पर जो 2020 में फ्लो इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलने वाला है बहुत सारी सिटीज़ पर, एंड बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। अगर आपको इसको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड दोस्तों 5 नंबर पर हमारा है वो है दोस्तों ओकिनावा की तरफ से OK100। जी हाँ दोस्तों, OK100 ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है, बट दोस्तों इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी पीछे छोड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने कहा कि हम ओकिनावा का जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हमने लॉन्च किए हैं, बट हम यहाँ पर जो है ओकिनावा का एक इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च करने वाले जिसका नाम OK100 होने वाला है। एंड मैंने काफ़ी सारे दोस्तों वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल की है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। तो OK100 भी आपको यहाँ पर जो उन्होंने कहा है कि 1 लाख के अंदर हम इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं, तो उसी कारण से आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर को पीछे छोड़ने वाला OK100 जो है इलेक्ट्रिक बाइक हमारे इंडिया में 2020 के बाद आपको अवेलेबल होने वाला है। लगभग आप 2020 में पकड़ सकते हो, 2020 में एट एक्सपो में वगैरह उन्होंने कहा है कि हम इस गाड़ी को लॉन्च करने वाले हैं। तो OK100 भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर जो है लुक भी देखने को मिलने वाला है। गाइस ये थे कुछ टॉप 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर आप इसको कह सकते हो, जो 2020 में आपको देखने को मिलने वाला है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको इंडिया में आने वाले है। इंडिया में आने के बाद काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसका फीडबैक भी आने वाला है। अगर आपको दोस्तों इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, स्पेशली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। तब तक के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते रहिए, मैं मिलता आपको नेक्स्ट और अमेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।